ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विल वर्सेस वुड के बारे में। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है इसको समझेंगे इस वीडियो में, और आज के बाद आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी इन दोनों के यूज में। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रेजेंट और पास्ट के लिए हम वुड का यूज करते हैं, और सेकेंड है फ्यूचर के लिए हम विल का यूज करते हैं। ओके, ता ती ते के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं, रहा होता रही होती रहे होते के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं, चुका होता चुकी होती चुके होते, लिया होता दिया होता गया होता, इसके लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। आइए अब एक एक करके समझते हैं। पहले देखिए गागे की, वुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वर्सेस विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। देखिए, मैं आपके साथ अभी अपने बाल कटवाऊंगा, मैं आपके साथ अभी अपने बाल कटवाऊंगा। आई वुड गेट माई हेयर कट विद यू राइट नाउ, ये प्रेजेंट का सेंस है, अभी कटवाऊंगा। ओके, तो हमने वुड का यूज किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट या पास्ट के लिए हम वुड का यूज करेंगे। देखिए सेकंड है, मैं कल आपके साथ अपने बाल कटवाऊंगा, तो मैं कब कटवाऊंगा, कल फ्यूचर में। I will get my hair cut with you tomorrow. Future की बात हो रही है ये, okay? इसलिए हमने will का use किया। देखिए, इस बार हम बाजार में एक साथ जाएंगे, this time we will go together in the market. Future की बात है, इस बार हम जाएंगे, okay? इस बार भी हम बाजार में एक साथ जाएंगे, आप कह सकते हैं इवन दिस टाइम वी विल गो टुगेदर इन द मार्केट, मैं वहां जाऊंगा, आई वुड गो देयर प्रेजेंट की बात है, आई विल गो देयर फ्यूचर की बात है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर की बात है या फिर प्रेजेंट की बात है? ओके, तो ये इससे पता लगेगा, जब हम वुड का यूज करेंगे तो मतलब कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मैं वहां जाऊंगा, आई वुड गो देयर। अगर हम विल लगाते हैं वहां पर, आई विल गो देयर कहते हैं, तो हम फ्यूचर में कभी जाएंगे। ओके, आई विल गो देयर मतलब कि मैं फ्यूचर में कभी जाऊंगा। इस प्रकार से अगर वुड का यूज करते हैं तो प्रेजेंट, विल का यूज करते हैं तो फ्यूचर। देखिए, मैं ये काम तुम्हारे साथ करूंगा, I would do this work with you, present. I will do this work with you, future. हमने will का use किया, तो इसका मतलब है कि हम future की बात कर रहे हैं, कि मैं future में तुम्हारे साथ काम करूंगा। और would का use कर रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है would से कि हम present की बात कर रहे हैं, कि मैं तुम्हारे साथ अभी काम करूंगा, would का use करने पे। और will से future का पता चलता है। यहां तक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? देखिए, क्या आप मेरे साथ खेलोगे, वुड यू प्ले विद मी, मतलब क्या आप अभी मेरे साथ खेलोगे, जैसे कि आप हैं, मैंने आपसे बोला कि क्या आप मेरे साथ खेलोगे, तो मैं यहां पर वुड का यूज करूंगा। वुड यू प्ले विद मी, अगर मैं आपसे कहूं क्या आप कल मेरे साथ खेलोगे, मतलब आने वाले कल में, तो विल यू प्ले विद मी टुमारो। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए, उसने कहा था कि वह आएगा, ही हैड सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था, ये तो पास्ट की बात है, तो इसलिए हमने वुड का यूज किया, ही वुड कम। अब देखिए, रहा होगा रही होगी रहे होंगे के लिए वुड बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लग जाता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है। ओके, और इसी प्रकार से विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, किशोर बाजार जा रहा होगा, किशोर वुड बी गोइंग टू द मार्केट, प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं, किशोर बाजार जा रहा होगा। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि किशोर कहाँ है, मैंने बोला कि वो बाजार जा रहा होगा। ओके, किशोर वुड बी गोइंग टू द मार्केट। अगर मैं कहूं, देखिए वाक्य है, मैं कल अपने गांव जा रहा होऊंगा, कल जा रहा होऊंगा फ्यूचर में, आई विल बी गोइंग टू माई प्लेस टुमारो,
तो यहाँ पर हमने विल बी का यूज किया क्योंकि फ्यूचर की बात है कि कल जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, ही वुड बी गोइंग टू स्कूल, प्रेजेंट की बात है, वुड का यूज किया, वह इस समय पार्क में खेल रहा होगा, इस समय की बात हो रही है, ओके, ही वुड बी प्लेइंग इन द पार्क एट दिस टाइम, प्रेजेंट, ओके। देखिए इसी प्रकार से चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं वर्सेस विल हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वह स्टेशन पहुंच चुका होगा, ही वुड हैव रीच द स्टेशन, ये प्रेजेंट की बात है। ओके, पहुंच चुका होगा, मैं 2 बजे तक वहां पहुंच चुका होऊंगा, आई विल हैव रीच्ड देयर बाय 2 o'clock, ये फ्यूचर की बात है कि 2 बजे पहुंच चुका होगा। और ये जो ऊपर वाला है ये है आई वुड हैव रीच्ड द स्टेशन, ये प्रेजेंट की बात है, ओके, वो स्टेशन पहुंच गया होगा इस बार इस तरीके से, ओके, मतलब प्रेजेंट में ही पहुंच गया होगा वो। और ये जो हम कह रहे हैं 2 बजे, मतलब कि मान लीजिए अभी 1 बज रहा है और हम और मैं कह रहा हूं कि मैं 2 बजे तक वहां पहुंच चुका होऊंगा या पहुंच गया होऊंगा, ओके, इस प्रकार से आई विल हैव रीच्ड देयर बाय 2 o'clock, मैंने सोचा कि तुम मुझे पहचान लोगे, आई थॉट यू वुड रिकॉग्नाइज मी, अभी हम बात कर रहे हैं जो ओके फ्यूचर तो नहीं है, प्रेजेंट या पास्ट हो सकता है क्योंकि हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है आई थॉट, ओके, आप लोग इजीली समझ रहे होंगे। अगर आप उस व्यक्ति को याद कर सकते हैं तो मुझे यकीन है कि आप मुझे नहीं भूलोगे। इफ यू कैन रिमेंबर दैट पर्सन आई एम श्योर यू वुडंट फॉरगेट मी, ये भी प्रेजेंट की बात है। मान लीजिए मैं आपसे प्रेजेंट में बोल रहा हूं, अगर आप उस आदमी को याद कर सकते हैं तो मुझे भी नहीं भूलोगे, ओके, वो ही सेंटेंस, इफ यू कैन रिमेंबर दैट पर्सन आई एम श्योर यू वुडंट फॉरगेट मी। देखिए मैंने सोचा कि कल आप इस बात को समझ गए होंगे, बीते हुए कल में, ओके, आई थॉट यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस मैटर यस्टरडे, कल की बात थी, बीते हुए कल की, तो हमने वुड का यूज किया, पास्ट की बात है इसका मतलब, ओके, मैं ऐसा क्यों करूंगा, व्हाई वुड आई डू दैट, मतलब अब प्रेजेंट में ऐसा क्यों करूंगा, अगर हम इसे कह दें विल, सॉरी, व्हाई विल आई डू दैट, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मतलब फ्यूचर में क्यों करूंगा मैं ऐसा, भाई इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे। व्हाट डू यू थिंक वुड बी माई आंसर, अब देखिए ताते ती रहा होता रहे होते रही होती, इस प्रकार से वुड का यूज किस प्रकार से करना है, ताते ती वुड, यहाँ पर विल का यूज होगा ही नहीं इन वाले सेंटेंसेस को जब हम बनाएंगे, ताते ती रहा होता रही होती, ओके, चुका होता चुकी होती, इस प्रकार से देखिए, वह यहाँ आता, ही वुड कम हेयर, बच्चे स्कूल जाते, Children would go to school. अब रहा होता रहे होती देखते हैं, मैं आज तुम्हारे साथ मार्केट जा रहा होता, I would be going to market with you today, okay? चुका होता चुके होते के लिए हम would का यूज करते हैं, वह दिल्ली जा चुका होता, he would have gone to Delhi, मैं तुम्हारे साथ बाजार जा चुका होता, I would have gone to the market with you. अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, एक तो वुड का होता है गागे गी के लिए और एक वुड का आपने देखा ताते ती के लिए, इस प्रकार से देखा, ओके, एक देखा आपने रहा होगा रहे होगे रहे होंगे के रूप में, एक देखा आपने वुड का यूज, सेम ही यूज हो रहा है, जो कि स्ट्रक्चर है सेम है ना, ये समझ लीजिए सेम है स्ट्रक्चर।
रहा होता रहे होते भी वही है, रहा होगा रहे होंगे वो भी वही है स्ट्रक्चर, ओके। और चुका होता चुके होते वाला भी स्ट्रक्चर सेम है। तो अब हम इसमें मतलब कि पता कैसे लगाएंगे कि ये गागे गी है या ताते ती है, ओके। तो आइए मैं बताता हूं आपको। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई वुड प्ले, मैं खेलूंगा, तो इसका तो हो गया आई वुड प्ले, मैं खेलूंगा, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा हूं एक तरीके से मैं, तो आई वुड प्ले मैं खेलूंगा। और इसका ये भी मतलब होता है मैं खेलता, आई वुड प्ले मैं खेलता भी होता है। तो आप लोग कैसे समझेंगे कि ये मैं खेलता कि मैं खेलूंगा ये है, यही आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, तो मैं इसे आपको क्लियर कर देता हूं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ओके, और तुम मुझसे पूछ लो कि आज तुम क्या करोगे, और मैं तुमसे कहूं मैं खेलूंगा, ओके, मैं आपसे कहूंगा मैं खेलूंगा, इंग्लिश में मैं बोलूंगा आपको आई वुड प्ले, तो आप ये तो नहीं समझेंगे कि मैं खेलता, आप तो आपने क्योंकि पूछा कि आप क्या करोगे आज, ओके, तो मैंने बोला कि मैं खेलूंगा आई वुड प्ले। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये सेम ही रहते हैं, ये कन्वर्सेशन जब हम करते हैं तो उसके हिसाब से इस वाक्य का मतलब निकलता है, ओके। जब हम जो भी जैसे कि आपने जो पूछा उसके जवाब में मैंने वो जवाब दिया, उससे इस बात का पता लगता है कि इसका मतलब क्या है। अगर आप बोलते अगर तुम वहां होते तो क्या करते, अगर आपने मेरे से पूछा कि अगर तुम वहां होते तो क्या करते, तो मैंने मान लीजिए आपसे कहा कि मैं खेलता आई वुड प्ले, फिर भी जवाब वही है आई वुड प्ले, तो आप ये तो नहीं समझोगे कि मैं खेलूंगा, ओके। तो आपने जो क्वेश्चन किया, जो मेरे साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जवाब दे रहा हूं, तो आप लोग इजीली समझेंगे कि किस इसका मतलब क्या है, ओके। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, और इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा ज्यादा, जो कि जिन लोगों को भी कंफ्यूजन आती हो विल और वुड में, उन लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।